खबर सुल्तानपुर से है, जहां शराब की दुकान में आग लगने से दुकान के अंदर सो रहे सेल्समैन की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मामला बल्दीराय इलाके के दिल्ली बाजार का है, जहां पर देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन अखिलेश पांडे काम करता था और रात में वहीं सोता था। कल रात दुकान बंद करने के बाद अखिलेश दुकान के अंदर सो रहा था। इसके बाद किन्हीं कारणोंवश दुकान में आग लग गई और दुकान के अंदर अखिलेश की जलकर मौत हो गई। साथ ही दुकान में रखी 100 पेटी शराब भी जल गई। पड़ोसी ने उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शटर तोड़कर देखा तो अखिलेश की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किन कारणवश आग लगी है। देसी शराब ठेका दिल्ली बाजार में सेल्समैन अखिलेश पांडे, जो अंदर अपने दुकान के अंदर सोया था, शॉर्ट सर्किट और किन्हीं कारणों से आग लग गई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। दुकानदार के बगल के जो पड़ोसी हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई है कि इस देसी शराब की दुकान में आग लग गई है। उस पर उसका शटर तोड़ करके देखा गया तो सेल्समैन वहाँ पर मृत पाया गया। उसका पंचायतनामा भर के आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है।